इधर रांची के रातू रोड नागा बाबा खटाल के पास नगर निगम की सैकड़ों गाड़ियां सड़ रही हैं। कुछ गाड़ियां तो ठीक भी हैं, इसके बावजूद निगम उन गाड़ियों को ठीक कराने की कोशिश नहीं कर रहा है। यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी अंजनी ने। आम लोगों की सुविधा के लिए रांची नगर निगम के द्वारा सिटी बसों का परिचालन कराया जाता है और अभी भी सिटी बसें चल रही हैं, लेकिन अधिक संख्या में जो बसें हैं वो पुरानी हो गई हैं और कई बसें ऐसी हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स के चलते बसें जो हैं नगर निगम के यार्ड में पड़ी हुई हैं। हमने आपको इससे पहले बकरी बाजार की तस्वीर दिखाई थी जहां लगभग 35 की संख्या में सिटी बसें जो हैं सड़ रही हैं, जिसमें कई नई गाड़ियां भी हैं। अभी हम इस वक्त जो है नागा बाबा खटाल के बगल में नगर निगम का जो यार्ड है वहां पे हैं। यहाँ लगभग 12 से 13 की संख्या में जो बसें हैं वो यहाँ सड़ रही हैं। आप देख सकते हैं रांची नगर निगम की बसों की जो स्थिति है क्या है, और कहीं ना कहीं लापरवाही देखें और बसों का जो मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से अब जो बसें खड़ी हैं यहाँ से जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को लोग निकाल कर बेच रहे हैं। जहाँ नगर निगम ये दावा करती है कि शहर में कई अलग अलग तरह की जो बसें हैं सीएनजी बसें चलेंगी, कभी वोल्वो बस चलाने की बात करती है, लेकिन जो सिटी बसें पहले चला करती थी उसके मेंटेनेंस और रख रखाव के अभाव में लगभग कहा जा सकता है कि 60 से 70 बसें जो हैं वो पूरी तरह से यार्ड में पड़ी हैं। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन अरविंद के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।